दोस्तों, अगर आप अपने चेहरे के कालेपन से परेशान हैं या आपके चेहरे पर काफ़ी सारे दाग धब्बे हो गए हैं या झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने चेहरे को गोरा, सुंदर, चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में ही आपको आसानी से मिल जाएंगी और इसकी मदद से आप तेज़ी से अपने चेहरे को गोरा, चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नुस्खे को बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर लेनी है खाली बाउल। इस खाली बाउल में हम सबसे पहले जो चीज़ लेंगे वह दोस्तों शैम्पू। दोस्तों, हम यहाँ पर कोई सा भी शैम्पू लेंगे, जो भी शैम्पू आपके घर में अवेलेबल हो वही शैम्पू आप यहाँ पर ले लें और इस शैम्पू को काट कर इसमें पूरा जो है ऐड कर लें। दोस्तों, शैम्पू की मदद से हमारे चेहरे पर जितनी भी मैल गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, वो सब साफ़ हो जाती है और मैल गंदगी की वजह से अक्सर करके हमारे चेहरे पर मुहासे होने लगते हैं। मुहासे धीमे धीमे बड़े हो जाते हैं और उनमें से मवाद निकलना शुरू हो जाती है, फिर हमारे चेहरे पर काफ़ी सारे दाग धब्बे बन जाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए शैम्पू काफ़ी हद तक हमारी मदद करेगा। शैम्पू लेने के बाद दोस्तों, अगली चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो दोस्तों हल्दी पाउडर। आपको यहाँ पर इसमें इतनी सी मात्रा में हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर हमारे चेहरे के छोटे छोटे मुहासों को ख़त्म करता है, साथ ही हमारे चेहरे के दाग धब्बे और काले निशानों को भी दूर करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब किसी की शादी होती है तो सबसे पहले उसे हल्दी का उपटन किया जाता है, हल्दी का लेप लगाया जाता है, जिसकी मदद से चेहरे पर और त्वचा पर काफ़ी तेज़ी से ग्लो आता है। तो हल्दी हमारे त्वचा के लिए काफ़ी अच्छी है। अगली चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। आप दोस्तों चाहो तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पर इसमें आधा चम्मच करा हुआ एलोवेरा जेल ऐड करूँगा। आधा चम्मच एलोवेरा जेल लेने के बाद में दोस्तों अगली चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वह दोस्तों थोड़ा सा नारियल का तेल। हम इसमें 5-6 बूंद के बराबर नारियल का तेल ऐड करेंगे। नारियल का तेल हमारे त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही हमारे त्वचा के अंदर तक जाकर त्वचा को नमी देता है। नारियल का तेल हमारे त्वचा पर ग्लो लाने का भी काम करता है। सारी चीज़ें लेने के बाद दोस्तों अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस पेस्ट को लगाने का तरीका वो ये है, आप जो सबसे पहले अपने चेहरे को किसी अच्छे साबुन से या फेस वॉश से धोकर साफ़ कर लें, फिर उसके बाद आप इस पेस्ट को उंगलियों से लेकर अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। आपको इसे पूरे चेहरे पर अच्छे से जो है लगा लेना है। इसे लगाकर दोस्तों आप इसे सूखने के लिए ऐसे छोड़ दें। दोस्तों, जैसे ये सूख जाए आप इसे सादा ठंडे पानी से धोकर साफ़ कर लें। दोस्तों, इस उपाय को हफ्ते में सिर्फ 2 बार करने से आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं, काले निशान हैं, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपका चेहरा पहले से काफ़ी गोरा, चमकदार और सुंदर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पर। साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।